आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों पर। कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतराल से हराया है। तीनों की जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दिया। वहीं छबरामऊ बीजेपी चेयरमैन राजीव ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए। छबरामऊ के किन्नर ने पहुंचकर बीजेपी की जीत पर चेयरमैन को बधाई दी। जैसा कि आज की तारीख में पूरा प्रदेश खुशी की लहर में है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारी इस पार्टी जो है हमारी जनमानस की पार्टी और हर भारतीय की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे प्रदेश में सरकार बना रही है और यहाँ पर वास्तव में रामराज्य होने जा रहा है। इसी की खुशी में हम सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। हमारे ज़िले की, कन्नौज ज़िले की तीनों सीटें जो कन्नौज, तिरवा और छिबरामऊ, तीनों आज हमारी पार्टी ने जीती हैं और हमारे इस क्षेत्र का नाम जो है वो अपने सरकार में शामिल किया है। इसी की खुशी में हम लोग खुशियां मना रहे थे। खबर श्रावस्ती से है, जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इंद्राणी वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की। जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखने को मिला और इंद्राणी वर्मा को बधाई देने के लिए कार्यालय पर भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी। वहीं हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता ने विधानसभा भिनका की विधायिका इंद्राणी वर्मा से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। श्रावस्ती जनपद में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। श्रावस्ती जनपद के विधानसभा भिनगा में 2012 के बाद एक बार फिर सपा ने जीत हासिल की है। हमारे साथ भिनगा विधानसभा से विधायक इंद्राणी वर्मा जी मौजूद हैं, बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहती हैं। विधायक जी, 2012 के बाद एक बार फिर साइकिल यहाँ जीती है, जनता ने आपको मौका दिया है, विधायक चुना है, जनता के लिए क्या कहना चाहती है और क्या विकास का मुद्दा रहेगा, क्या कहनी है? जो 22 का चुनाव था, 288 भिंगा से समाजवादी पार्टी के मैं प्रत्याशी थी, हमारी जनता को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि 12 में आप लोगों ने विकास देखा था, तो अब जनता बड़े उम्मीद से हमको विधायक बनाया है और अब आप सब लोग जानते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार तो बन नहीं रही है, लेकिन हम लोग जनता, जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जनता के साथ रहेंगे और जो भी जनता को कठिनाई आएगी उनकी, उनको हम साथ में संघर्ष करते रहेंगे और उनकी आवाज़ को हम विधानसभा लखनऊ में पहुंचाने का काम करेंगे और पूरी हम अपनी जनता पर खरा उतरेंगे क्योंकि हमें क्षेत्र की बहन बेटी होने के नाते जनता ने हमें, हमसे बहुत बड़ी उम्मीद की है, उस उम्मीद की हम खरा उतरेंगे। हमारे साथ में विधायक इंद्राणी वर्मा जी मौजूद थी, हमने उनसे जाना है कि आपको विकास का मुद्दा रहेगा। श्रावस्ती 289 विधानसभा ने, जनता ने उनको चुना है विधायक के रूप में। श्रावस्ती से प्राइम टीवी के लिए प्रदीप गुप्ता। श्रावस्ती जनपद में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। श्रावस्ती जनपद के विधानसभा सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में ज्यादातर ईंट के भट्टों पर नाबालिग बच्चों से काम करते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी की टीम ने जब तंबौर क्षेत्र का भ्रमण किया और ईंट के भट्टों पर सर्वे किया, कई नाबालिग बच्चों को ईंट के भट्टों पर भारी धूप में काम करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया है, लेकिन जब बच्चों से इस बारे में पूछा गया तो बच्चों ने जवाब देते हुए कहा कि वो अपने माता पिता के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन जो कैमरे में कैद दिखा उससे साफ है कि वह बच्चा ईंट के भट्टे पर मजदूरी कर रहा था। खबर बांदा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 12 साल की बच्ची ने खुद को आग लगा दी। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। ये मामला पैलानी थाना के खरेई गांव का है।
आपका छोटेलाल, छोटेलाल जी, ये बताइए ये कौन है आपकी? अरे लड़की है सर मेरी। कितने साल की है? 12 साल की। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं हुआ, मैं डांट दिया, मैं काम में चला गया था, कुछ घटना नहीं हुई है। वहाँ खदान में चली गई है तो आग लगा ली है। आग लगा लिया? हाँ। कारण क्या है डांटने के बाद? केवल डांटा हूँ खाली, बस खाना मंगवाया था खा नहीं तो ऐसे हो गया, तो मैं खाली डांटा हूँ, खाना भी नहीं खाया, चला गया अपने काम पर। सर एक बर्न केस आया हुआ है, कहाँ का है, क्या मामला है? एक हफ्ती है कला थाना पहलानी से पूजा नाम की 12 साल की बच्ची को लाया गया है, क्योंकि लगभग 80% डिगी हुई है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, उसका उपचार चल रहा है, उसको आगे मेडिकल कॉलेज के रिफर किया। बर्न केस आया हुआ है, क्या घटना है, उस पर थोड़ा जानकारी दें। ये थाना पहलानी के ग्राम खेरई निवासी कुमारी पूजा पुत्री छोटेलाल, उम्र लगभग इसकी 12 साल है, और इसने आज शाम को 4:30 बजे के आसपास अपने शरीर में आग लगा ली थी। पूछने पर यह बात संज्ञान में आई है कि इसके पेट में काफ़ी दर्द रहता था, उससे परेशान होते हुए इसने आग लगा ली है। ये क्या नाम है, लड़की लगभग 80% जली हुई है, जिसको तत्काल लाकर इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर फरीदाबाद से है, जो बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में एक घर के अंदर अजगर मिला। अजगर मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया और अजगर को रेस्क्यू कराया। बता दें अजगर की लंबाई लगभग 7 से 8 फुट बताई जा रही है। सुंदर जी, क्या जानकारी मिली थी आपको, एक अजगर रेस्क्यू किया है? आज मैं ड्यूटी ऑफिसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ईआरवी पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में। खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और एक ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दिए पूरा मामला सुल्तानपुर घोष थाना के पास देवारा मोड़ का है। खबर श्रावस्ती से है, जहां महिला ने अपने देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और परिजनों ने महिला को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और पुलिस के सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर बिजनौर से है, जहां दंपति की हत्या करके पति पत्नी के शव को घर में मिट्टी खोद कर दबा दिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सर्विलांस के जरिए दोनों शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पूछताछ करने पर पता चला कि सारा मामला प्रॉपर्टी का था। कोतवाली बिजनौर में राजेश अग्रवाल और बबली उर्फ बबीता की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ये दोनों 28 फरवरी से गायब थे। बबली रुपता के भाई द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन जांच पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों जो 55 वर्ष और 44 वर्ष के हैं, इनके कोई संतान नहीं है, दुकान का काम करते हैं। राजेश अग्रवाल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाला है और बबीता जो उत्तराखंड के रहने वाली हैं। इनकी दोस्ती रोमा से थी। रोमा और राजेश अग्रवाल में गहन अंतरंगता थी, घर में आना जाना था। और मुकेश और मोंटी का रोमा के घर में आना जाना था, यह भी बताया गया कि मुकेश और रोमा की गहन अंतरंगता दोस्ती थी। चूँकि गुमशुदा व्यक्ति राजेश और बबली को कोई संतान नहीं थी, इन लोगों में प्रॉपर्टी का लोभ आया तो रोमा और उसका बेटा तुषार जो 20 वर्ष का है, मुकेश और मोंटी जो सगे भाई हैं, उन्होंने साजिश करके दोनों को मार करके रोमा के घर में हमीदपुर गांव में। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हार हो चुकी है, अभी नतीजे आने के बाद तीसरा दिन ही है। इस बीच हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नए सिरे से अपने इलाके की समस्याओं को दूर करने और विकास की नई इबारत लिखने की बात करने लगे हैं।
यूपी की चर्चित सीटों में शुमार प्रतापगढ़ में कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सातवीं बार विजेता हुए हैं। उनसे भी चुनावी जीत के बाद प्राथमिकता पर बात की गई। राजा भैया ने कहा कि इलाके के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाना एक बड़ी चुनौती है, समस्या को दूर करने की दिशा में काम करेंगे। खबर फतेहपुर से, जहां हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी की जीत पर क्षेत्र में खुशी का माहौल था। सपा विधायक के आवास पर पहुंची जनता जनार्दन ने सपा विधायक का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद सपा विधायक ने क्षेत्र की जनता जनार्दन को धन्यवाद किया और क्षेत्र में विकास करने का वादा किया। आपको बता दें, खाद्य का रसद राज्य मंत्री रानवेद प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को हरा कर सपा प्रत्याशी उषा मौर्य ने जीत दर्ज की है। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए अच्छा संदेश है, उन्होंने उन्होंने मेरी जीत नहीं, ये मैं मानती हूँ ये मेरी जनता की जीत है, उनकी खुद की जीत है। और जैसा भी उनका मान सम्मान जनता का इस दरबार में बना रहेगा, ये जो बहुत लोगों के अंदर भय था, जनता ने भय निकाला। जी, जीत के बाद सबसे पहले जो प्राथमिकता आप किस कामों को लेकर देंगी? देखिए, विकास को लेकर, जिस जैसे विकास में तो बहुत चीजें हैं, रोड, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य का हम पूरा प्रयास। खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिलने वाले बेनिफिट सर्टिफिकेट को चुरा लेते थे और अपनी कंपनी में ट्रांसफर करते थे, जिसके चलते जिले में उन्होंने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के समधी और अभिनेता सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए मामले का खुलासा किया है। देखिए, पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी शाही एक्सपोर्ट, यहाँ जो बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, उसकी तरफ से कि उनका जो सरकार के द्वारा उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है एक्सपोर्ट पे, तो कुल उनके 27 करोड़ के लाइसेंस थे जो उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से मिला था, उस लाइसेंस का गमन हुआ है और वो किसी ब्लैक कर नाम की कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये कंप्लेंट पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तेज़ी से काम करते हुए इसमें टोटल 10 गिरफ्तारियाँ करी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला था कि इस कंपनी के लोगों ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के उसके जो लाइसेंस थे उनको एक फर्जी कंपनी में के अंदर ट्रांसफ़र करके एक तरीके से कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया है और सरकार के द्वारा जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है या फिर उनकी स्कीम का जो बेनिफिट होता है उसका मिसयूज़ किया गया है। सर, ये जो 10 आरोपी बता रहे हैं, ये कौन है, कैसे लिंक है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ है? जी, तो ये जो 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग सारे अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से कुछ आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं जो फर्जी DSC बनाने का काम करते थे, कुछ इसमें आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने फर्जी कंपनी बनाई थी, और कुछ एक आरोपी इसमें चेन्नई से गिरफ्तार हुआ है जो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियाँ हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे, उनके कागजात बनाने में या एक्सपोर्ट में संबंधित हेल्प करते थे, जिसका उन्होंने। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।